पांचवी गेंद लेकर शायान अपने फिफ्थ ओवर की। और ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, सुबह के 10 बज चुके हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एक और मैच के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? चलो ग्राउंड चलते हैं। चलो गाइज, हम लोग बिल्कुल निकल पड़े हैं मैच के लिए। हालांकि आज थोड़ा सा डिले हो गए, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक थी और कैब भी हमारी काफ़ी लेट आई है, जिसकी वजह से अब देखते हैं हम लोग टाइम पे पहुंच पाते हैं या नहीं। शायान, क्या प्लानिंग है आज? पिछले मैच में शायान 48 रन बनाकर आउट हो गए, अपने 35th हाफ सेंचुरी से चूक गए शायान, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। कई मैचेस से बड़ा स्कोर आया नहीं है, एक 42 आया था और फिर 48 आया है, तो चलिए आज देखते हैं शायान के बल्ले से कुछ करिश्मा होता है या नहीं। एंजॉय करते हैं एक और मैच। शायान की एंट्री हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड में। 183rd मैच शायान के लिए, अंडर 14 क्रिकेट मैच खेला जाएगा आज। मैच की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पिच पे मार्किंग का काम शुरू हो गया है। दोनों ही टीमें एस्पेक्ट्रा और क्रिक ब्रोस क्रिकेट एकेडमी आमने सामने है, आज अंडर 14 का ये मैच खेला जाना है। और अब टॉस की बारी है, सिक्का उछाल दिया गया है, विपक्षी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। शायान तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए अपने क्रिकेट वंडर्स इंडिया के बैटिंग पैड्स और ग्लव्स के साथ। गाइस, आप भी ये क्रिकेट गियर्स मंगवा सकते हैं अपने 4 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, अगर आप मंगवाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट वंडर्स इंडिया का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बल्लेबाजी मिली है पहले, क्या लगता है आज कितना स्कोर हो पाएगा? 203। और तुम आरिफ, तुम बताओ? 203 मतलब 250 से ज्यादा स्कोर होगा। अच्छा, और तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेड? 300 बनना चाहिए, हालांकि पिच बहुत गीली है, तुम बताओ? 250। अब देखते हैं किसका प्रिडिक्शन। 280 बनेंगे। तो मैक्सिमम लोगों का मानना है, मैक्सिमम लोगों का मानना है 230 से 250 तक स्कोर बनेंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और आयुष निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच मैच का आगाज करने के लिए। गार्ड्स लेते हुए मैच बॉल बिल्कुल तैयार, बॉलर अपनी और इनिंग्स की पहली बॉल लेकर सामना करेंगे शायान। और ये वाइड बॉल से शुरुआत हुई है मैच की। अगली गेंद लेकर बॉलर सामने शायान, और ये एक और अच्छी गेंद। बार फिर से अगली गेंद लेकर और इसको डिफेंस कर दिया, गली की दिशा में बॉल गई है, रन की गुंजाइश नहीं। अच्छी उछाल मिल रही है बॉलर को, बॉल फंस के भी आ रही है, पिच बिल्कुल गीला है और टॉस भी हार गई है शायान की टीम। पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है, काफी डिफिकल्ट कंडीशन है। एक बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया और इसको छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लीव, बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, सामना करेंगे शायान और इसको खेल दिया गली की दिशा में। और ये शायान के बल्ले से पहला चौका, खाता खोला है इस तरीके से शायान ने अपना। एक बार फिर से सामने शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है वहां पे, एक रन लेने में कामयाब हो गए शायान। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर, भागना शुरू किया, सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद हैं और एक रन लेने में कामयाब हो गए शायान। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर सामने शायान और इसको मिड विकेट की दिशा में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद हैं और ये अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतोष करना पड़ेगा शायान को, 7 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर सामने शायान और ये कॉट एंड बॉल्ड हो गए, फंस कर आ रही थी बॉल और इसके नतीजे में
सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल का आगाज होने वाला है। 20 ओवर्स का खात्मा हो चुका है और 82 रनों के कुल योग पे शायान की टीम ने 5 विकेटें गवा दी हैं। टीम एक बार फिर से काफी मुश्किल में फंस गई है। काफी मुश्किल कंडीशन था सुबह बल्लेबाजी के लिए और ये LBW करार दिया। इसके साथ ही 6th विकेट का पतन हो गया है। बात करें अगर आज के पिच की तो सुबह बारिश की वजह से काफी गीली थी पिच, जिसकी वजह से यहां पे बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल। क्लीन बोल्ड कर दिया है, बेल्स के ऊपर जाके लगी बॉल, शानदार गेंदबाजी। 7th विकेट भी आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। सिर्फ 82 रनों के कुल योग पे सीधा हाथों में और इस ओवर में ये 3री विकेट, शानदार कैच। 8 विकेटें गिर चुकी है। अब एक और नए गेंदबाज आ गए हैं। 8 विकेटें गिर चुकी है और ये उमदा शॉट मिड विकेट की दिशा में, सीमा रेखा के पार। 86 रनों पे इसके साथ ही पहुंच गई है टीम। बिल्कुल बिखर सी गई है आज बल्लेबाजी क्रम। एक ही ओवर में 3 विकेटें गवा दी। बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके हैं और ये फ्री हिट बॉल है और इसको मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है और ये सीमा रेखा के पार। पूरा लाभ उठाया फ्री हिट का। शानदार शॉट और ये 6। थोड़ी सी गर्माहट आई है और इस स्कोरर को अब थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ रही है। 100 मार्क क्रॉस कर लिया है टीम का कुल योग, 101 हो गया है 8 विकेटों के नुकसान पे। और ये एक और शानदार शॉट, एक और शानदार चौका। और ये सीधा हाथों में मार दिया और इसके साथ ही 9th विकेट का पतन हो गया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वियान, 32 रन्स बनाकर आउट हो गए। शानदार शॉट, फाइन लेग की दिशा में घुमा दिया है इसको, सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। इसके साथ ही 4 और रन का इजाफा हो गया है टीम के कुल योग में। 136 रन स्कोर कर लिए हैं। आखिरी जोड़ी मैदान पे इस वक्त डटी हुई है। 27.3 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, हालांकि ये 40 ओवर्स का मैच है। शानदार शॉट, शानदार चौका। 156 का कुल योग हो गया इसके साथ ही। काफी अच्छा स्कोर हो गया, जहां पे लग रहा था 110-115 पे टीम सिमट जाएगी। शानदार शॉट, एक और चौका। शानदार शॉट, एक और चौका।170 रन कर लिए इसके साथ ही, एक और शानदार चौका। टोटल में जुड़ गया है, मिड विकेट के ऊपर से मारा था। शानदार शॉट, शानदार चौका। कई बार जब आप उम्मीद नहीं करते हैं, उस तरह का प्रदर्शन हो जाता है। आखिरी जोड़ी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, बहुत ही उम्दा स्कोर हो गया है 184 का, जो कि सराहनीय है। एक बार फिर से नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर। 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसके साथ ही पहली इनिंग्स का खात्मा हो गया है 184 रनों के कुल योग पे।
और टीम स्वागत कर रही है दोनों ही कुछ हल्ले बल्लेबाजों का, जिस तरीके से आज आखिरी जोड़ी ने बल्लेबाजी की है और बहुत ही सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है टीम को। 185 रन स्कोर करने हैं विपक्षी टीम को। आप लोगों ने अच्छी बैटिंग की लास्ट के बल्लेबाजों ने, अब क्या लगता है आप कहां तक रोक पाओगे? अगर हम अपना बेस्ट देंगे और बेस्ट खेलेंगे तो हम जीतेंगे, तो एंड तक जाएगा मैच और हम लेके जाएंगे। बेस्ट विशेस। दोनों ही सलामी बल्लेबाज निकल पड़े हैं 185 रनों का पीछा करने के लिए। 40 ओवर्स में ये रन स्कोर करने होंगे अगर इस मैच को जीतना है विपक्षी टीम को। फील्डर्स चारों ओर फैल चुकी है, मैच बॉल बिल्कुल तैयार और बॉलर भी तैयार। बॉलर अपनी और दूसरे इनिंग्स की पहली बॉल लेकर, और ये काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल से शुरुआत हुई है दूसरे इनिंग्स की। पहले ओवर में एक रन बनाए विपक्षी टीम ने और अब शायान गेंदबाजी की कमान संभालने आ गए हैं अपना पहला ओवर लेकर इस मैच में। पहली गेंद लेकर शायान, और ये काफी अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत। चौथी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, और ये एक बार फिर से बीट हो गए, बाहरी किनारा लग सकता था। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, और इसको कवर्स पे खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, रन की गुंजाइश नहीं। इसके साथ ही शायान के पहले ओवर की समाप्ति हो गई है। एक रन खर्च किए शायान ने अपने पहले ओवर में। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, और ये उम्दा गेंद। चौथी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, बल्लेबाज तैयार, और ये लेग साइड पे घुमा दिया है सीमा रेखा के पार। गंदी गेंद थी, बहुत ही छोटी गेंद। गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, बल्लेबाज तैयार, और ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, सॉलिड डिफेंस, रन की गुंजाइश नहीं। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की, बल्लेबाज तैयार, और ये जबरदस्त बाउंसर, अनप्लेबल बॉल थी, एक और डॉट बॉल। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, कभी बादल तो कभी धूप। इसी बीच शायान अपने चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, और ये कवर्स की दिशा में खेला है, और ये बहुत ही गंदी पुअर फील्डिंग सीमा रेखा के पार। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की, और इसको खेल दिया है सीमा रेखा के पार, चली गई है बॉल, और इसके साथ ही शायान के चौथे ओवर की समाप्ति हो गई है। 19 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 152 रन स्कोर कर लिए दो विकेटों के नुकसान पे विपक्षी टीम ने। इसी बीच अगली गेंद, और ये क्लीन बोल्ड, तीसरी विकेट का पतन हो गया है। अभी भी 33 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक तरफा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है मैदान पे। पांच विकेटें गिर चुकी है और विपक्षी टीम को सिर्फ 9 रनों की दरकार है। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने फिफ्थ ओवर की, और ये अच्छी गेंद, और इसको सम्मानजनक तरीके से खेल दिया, एक और डॉट बॉल। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने फिफ्थ ओवर की, और ये इसको लॉन्ग ऑफ पे खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, रन की गुंजाइश नहीं। इसके साथ ही शायान के पांच ओवर का स्पेल खत्म हो गया है, मेडन ओवर से समाप्ति की है अपने स्पेल की। 25 रन खर्च किए और कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे शायान। हामोदरन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, बल्लेबाज तैयार, और ये अंदरूनी किनारा लेकर फाइनल एक बाउंड्री की तरफ जा रही है बॉल, और वहां पे हालांकि फील्ड की गई है, अब देखना होगा अंपायर का क्या इशारा होता है। और ये 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से, और इसके साथ ही अब सिर्फ 4 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से भागना शुरू किया बॉलर ने,
बल्लेबाज तैयार और ये खड़ी कर दिए बॉल, फील्डर नीचे मौजूद। सिक्स्थ विकेट का पतन हो गया इसके साथ ही। चार रनों की दरकार है अभी भी जीत के लिए और चार विकेटें ही चाहिए शायान की टीम को। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया लंबे रन अप से। विपक्षी टीम को सिर्फ तीन रनों की दरकार है और ये बाय और उसके साथ ही बाउंड्री, इसके साथ ही मैच का खात्मा हो गया है और विपक्षी टीम ने इस मैच को चार विकेटों से जीत लिया है। मैच का खात्मा हो चुका है और अब शायान घर की ओर निकल पड़े हैं। मुश्किल टाइम थमने का नाम नहीं ले रहा है शायान का। एक और बुरा एक्सपीरियंस आज के मैच में, हालांकि बहुत ही मुश्किल बैटिंग कंडीशन थी। आप देख सकते हैं अभी भी पिच अब बेहतर हो गई है वैसे सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन अगर बात करें सुबह की तो बहुत ही गीली विकेट थी, यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। आज फिर शायान 7 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि पिछले मैच में ऐसा लग रहा था कि फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, 48 रन्स भी बनाए। ये मुश्किल वक्त हर क्रिकेटर के लाइफ में कभी न कभी ज़रूर आता है और इस उम्मीद के साथ कि इस मुश्किल सिचुएशन से जल्द निकलेंगे शायान, इस वीडियो का हम अंत करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।